नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है भैया आपका? मिराज हुसैन। मिराज हुसैन। कौन सा गांव पड़ता है आपका? भवानीपुर खुर्द। भवानीपुर खुर्द। कौन सा जिला है? गोंडा। गोंडा। अच्छा, तो आप ये बताइए भैया, आप इस टाइम क्या लगाए हुए हैं? लौकी लगाए हैं सर। लौकी लगाए हैं। कौन सी लौकी लगाए हुए हैं? सब दो वैरायटी लगाए हैं। दो वैरायटी लगाए हुए हैं। कौन कौन सी वैरायटी है? एक बिना सरता है जी, 786 आरके का। आरके का 786 है। तो आप थोड़ा अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप जो लौकी लगाए हुए हैं तो आपकी कैसी निकल रही है और उसका क्या रिजल्ट है? लौकी तो सर बढ़िया निकल रही है, एक साल निकलती है, शुद्ध लौकी निकलती है आरके का। आरके का गन्ना का छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है। अच्छा, थोड़ा छोटा और मोटा हो रहा है सरता। तो आरके की लौकी जैसे आप मार्केट में ले जाते हैं तो जो मंडी में, तो कैसी आपकी पसंद है, मतलब कैसा लोग पसंद करते हैं उसे, जल्दी लेते हैं या ये कुछ बोलते हैं? जल्दी उससे जल्दी बिकता है आरके। अच्छा, जल्दी बिकता है। और रुपए में कुछ अंतर? अंतर रहता है। अच्छा, तो ये सस्ता जाता है या महंगा जाता है? नहीं सर, लोग सुध रहता है, सुध रहता तो महंगा जाता है। अच्छा, तो थोड़ा अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे अपनी 786? अच्छा, ये अच्छा, तो आपको इसका फलन कैसा लग रहा है 786 का? सर इसका 786 का फलन हर गाठी में बतिया आता है। अच्छा, हर गाठी पे बतिया है आपकी। और ये जो आपकी सरता है उसका आप क्या कहना चाहेंगे, उस कैसा साइज है, क्या है? सर वो साइज मोटा होता है थोड़ा। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखाना चाहेंगे? हाँ, देख लीजिए, ये है सरता। अच्छा, ये सरता है। अच्छा, ये मोटा हो रहा है और थोड़ा तिरछा भी आ रहा है। अच्छा चलिए, तो आप लगभग कितना लगाए हुए हैं ये सरता और 786? सर 700 ग्राम दोनों लगाए थे। अच्छा चलिए, तो अगली बार आप इसे पूरा लगाएंगे या कुछ लगाएंगे सर? तो और अपने किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं, उनको और बताइए थोड़ा इसके बारे में। वो या लगाएं, अच्छा है। अच्छा, अच्छी है। अच्छा फल, मतलब ये साइज का रहता है, ना मोटा होता ना पतला होता है, बराबर सीधा रहता है। अच्छा अच्छा, जैसे सर ये रखा हुआ है जी। अच्छा, अब ये सीधा ऐसे हरा रहता है, सीधा और हरा रहता है ये 786। ऐसे साइज भी रहता है, लंबा ज्यादा होता भी नहीं है। लंबा ज्यादा नहीं होता है, मीडियम साइज है। अच्छा ठीक है, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। ठीक, नमस्कार।